स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे युगांडा के उस आदमखोर तानाशाह राष्ट्रपति की कहानी, जो न सिर्फ इंसानों का मांस खाता था बल्कि उनके सिरों को अपने फ्रिज में रख लिया करता था। उस शख्स का नाम है इदी अमीन दादा। And that is now lesson I'm teaching the British. इदी अमीन पर 6 लाख लोगों की हत्या का आरोप लगा था। वह एक क्रूर तानाशाह था जिसने युगांडा में 1971 से 1979 तक शासन किया। उसके शासनकाल में अनेक अत्याचार हुए जिनमें राजनीतिक विरोधियों का दमन, जातीय उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर हत्याएं शामिल हैं। यह सच है कि अमीन को लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी क्रूरता और हिंसा के लिए जाना जाता था। जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे उन्हें क्रूरता से दंडित किया जाता था। कुछ लोगों ने जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें लकड़ी के खंभे से बांधकर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भुनवा दिया गया। फिर इन लोगों की लाशों को ट्रक में लादकर इदी अमीन के पास लाया गया और कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। यह घटना अमीन की बर्बरता और मानवता के प्रति उसकी घृणा का परिणाम है। यह घटना इतिहास में हमेशा के लिए काला धब्बा बनकर रह जाएगी। यह जानना भी दिलचस्प है कि वह एक सेना के खानसामे से कैसे एक देश का राष्ट्रपति बन गया। अमीन बेहद चालाक दिमाग का था, वह खूंखार भी था। उसकी बड़ी कदकाठी और राक्षस जैसा शरीर उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना। 6 फुट 4 इंच का कद और 160 किलो का वजन उसने निश्चित रूप से दूसरों से अलग करता था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में भी हाथ आजमाया और 9 साल तक लगातार युगांडा का राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन रहा। इससे उसे सेना में तरक्की मिलती रही और 1965 तक वह युगांडा की फौज का जनरल बन गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। खूनी तख्तापलट करके 3 घंटों में सत्ता हड़प ली थी अमीन ने। फौज का जनरल बनने के बाद इदी अमीन की नज़र युगांडा की सत्ता पर थी। इदी अमीन पर भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे जब 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में थे तो उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में खूनी तख्तापलट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की सैन्य कार्रवाई में पूरे देश की सत्ता की बागडोर इदी अमीन के हाथ में आ गई थी। 25 जनवरी 1971 की तारीख न सिर्फ युगांडा और अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित हुई, क्योंकि आदमखोर इदी अमीन ने सत्ता हासिल करते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। एक एक करके उसने अपने तमाम विरोधियों को ख़त्म कर दिया। लेकिन इदी अमीन के आदमखोर होने के राज से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर किबो रिंगोटा ने। डॉक्टर किबो रिंगोटा एक बार जब इदी अमीन के किचन में फ्रिज से बर्फ लेने गए, उन्होंने फ्रिज खोला तो होश उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रीजर में 2 नरमुंड रखे हुए थे। डॉक्टर किबो ने जब वह स्टाफ के कुछ और लोगों से बात करी तो मालूम हुआ कि इदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी अंगों से भरा रहता है। वो न सिर्फ क्रूर था बल्कि बड़ा अय्याश भी था। अक्सर पार्टियाँ किया करता था, वो भी सरकारी पैसों से। उसने 6 शादियाँ की जिसमें से 5 राष्ट्रपति बनने के बाद की। 6 बीवियों से इदी अमीन के 45 बच्चे हुए। इसके अलावा उसके हरम में 35 से ज़्यादा औरतें थीं जिससे 100 से ज़्यादा बच्चे हुए। इदी अमीन पूरी दुनिया से नफरत करता था, लेकिन उसकी नफरत भारत के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही थी। उसने 1972 में 1 लाख भारतीयों को युगांडा से बेदखल कर दिया, जिससे उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये भारतीय मूल के लोग थे जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान युगांडा लाया गया था। उन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से युगांडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इदी अमीन का मानना था कि युगांडा की संपत्ति केवल युगांडा के लोगों के लिए है और भारतीयों को देश छोड़ देना चाहिए। उसने 4 अगस्त 1972 को एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी भारतीयों को 90 दिनों के अंदर युगांडा छोड़ना होगा। इस फरमान ने युगांडा में रहने वाले भारतीयों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया था। उन्होंने अपने बिजनेस और घरों को छोड़कर ब्रिटेन
और भारत जैसे अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इदी अमीन निरंकुश होता जा रहा था। वो कभी इसराइल के विमान का अपहरण करवा लेता था तो कभी अमेरिका को धमकी देता था। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था। 30 अक्टूबर 1978 को इदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने लीबिया से सेना भेजी। 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध चला, फिर तंजानिया की फौज ने बाजी पलट दी और 10 अप्रैल 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। इदी अमीन हौसले से पस्त हो गया और वो हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर अपनी जान बचाकर निकल गया। वो सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी से पनाह लेने लीबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। 24 साल तक इदी अमीन सऊदी अरब के जिद्दा शहर में रहा और 20 जुलाई 2003 को इस क्रूर तानाशाह की मौत हो गई। युगांडा के लोग इदी अमीन से इतनी नफरत करते थे कि उसकी लाश को भी अपने देश में दफनाने की इजाजत नहीं दी। इदी अमीन की मौत युगांडा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी। यह घटना युगांडा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिससे देश को लोकतंत्र और शांति की ओर अग्रसर किया। तो यह थी कहानी उस नरभक्षी तानाशाह इदी अमीन दादा की। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।